गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति दलाल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा IIT जैम 2019 ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 2019 में, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो मैं करने वाली हूँ वो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है और जो है पार्टिकल इन ए बॉक्स का क्वेश्चन है। पार्टिकल इन ए बॉक्स जो है IIT जैम के पॉइंट से और गेट के पॉइंट दोनों से ही काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आया हुआ था, मैंने 2021 में भी इसी टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाल चुकी हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन आया हुआ है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो हमारे पास पार्टिकल इन बॉक्स का ये क्वेश्चन था कि वेव फंक्शन हमारे पास गिवन है पार्टिकल का बॉक्स के अंदर। तो इन जनरल हमारे पास क्या होता है, इन जनरल वेव फंक्शन व्हेन पार्टिकल इज इन बॉक्स, एंड ये कहाँ से है, बॉक्स के अंदर है, एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 to L। ये पार्टिकल कोई बॉक्स के अंदर है हमारे पास और इसका वेव फंक्शन क्या होता है, इन जनरल sin nx इज इक्वल टू √2L sin nπx/L। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है √2L sin πx/L है, तो यहाँ से कंपेयर करें दोनों को तो n यहाँ से क्या हो रहा है, n की टर्म जो है हमारे पास साइन में ही आ रही है, sin nπx/L एंड sin πx/L। तो n इक्वल टू 1, तो पार्टिकल कहाँ है हमारे पास, ग्राउंड स्टेट में है। अब हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x इक्वल टू 0 to L/2। तो 0 to L/2 के अंदर हमें क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है, फॉर्मूला हमारे पास इन जनरल psi * psi (dx) लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है, x की लोअर लिमिट टू x अपर लिमिट। यहाँ पर x वेरी कर रहा है 0 to L/2। तो साई क्या है हमारे पास, गिवन स्टेटमेंट psi x इक्वल टू क्या है, गिवन है √2L sin πx/L। ऐसे ही psi * भी x का फंक्शन है, साई भी x का है। psi * क्या आ रहा है यहाँ पे, इसका कंजुगेट लें, कंजुगेट को टर्म कोई है ही नहीं, आइटा को माइनस आइटा में कन्वर्ट होता है, लेकिन साई क्या होता है, रियल वेव फंक्शन है यहाँ पे। तो ये हो गया √2L sin πx/L। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड एंड थर्ड से वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कीजिए, प्रोबेबिलिटी होगी 0 to L/2 2L sin²πx/L/dx। 2L को हम बाहर निकाल सकते हैं, 0 to L/2 sin²θ को cos²θ की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो क्या बन गया, 1 cos(2πx/L)/2dx। यहाँ से क्या हो रहा है, 2L और इंटू 1/2 क्या आ गया, बाहर आ गया हमारे पास 0 to L/2 1 into dx माइनस इंटीग्रल का साइन 0 to L/2 cos²πx/L(dx)। यहाँ से क्या रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1L, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, लिमिट है 0 to L/2 माइनस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2πx/L/2π/L, लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 0 to L/2। यहाँ से हम जो है अपना लिख सकते हैं, इसे नेक्स्ट स्टेप जो है क्या आ रहा है, भार 1L, फर्स्ट लिमिट लगाइए x के ऊपर 0 to L/2, क्या हो जाएगा, L/2 - 0, फर्स्ट हो गई टर्म सोल, माइनस L/2π सेकेंड टर्म जो हमारे पास, साइन पे लिमिट लगा रहे हैं, sin²πx/L इंटू एक्स को रिप्लेस कीजिए L/2 से, और एक बार रिप्लेस कीजिए, यहाँ पे लिमिट रखेंगे एक्स को 0, तो sin 0 0 - 0। तो क्या आ रहा है, 1L इंटू L/2 माइनस L से L कैंसिल हो जाएगा सेकेंड टर्म के लिए, 1/2π, यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन पाई बन गया, L से L कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया, सॉरी 2 से 2 L से L, साइन पाई क्या होता है 0, ये ऑलरेडी साइन 0 0 है,
तो ये क्या हो गया माइनस जीरो, ये हो गया वन बाई टू। वन बाई टू को आप क्या लिख सकते हो, जीरो पॉइंट फाइव। तो आवर्स आंसर इज जीरो पॉइंट फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स का, दोबारा से क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। क्या है जो बेस किस पे है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। अनसर्टेनिटी हमारे पास प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी भी पार्टिकल की जो है हम पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले स्टेटमेंट क्या होती है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, एक होता है एनर्जी टाइम में, एक होता है पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एच क्रॉस। तो हम जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए क्या ले लेते हैं, डेल्टा एक्स क्या होता है हमारे पास, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। डेल्टा पी क्या होता है हमारे पास, पी बेसिकली क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी, एम कॉन्स्टेंट होता है, तो एम इंटू डेल्टा वी। तो बेसिकली क्या है हमारे पास जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि हमारे पास हमने पोजिशन को एक्यूरेटली मेजर कर लिया तो जो है मोमेंटम को एक्यूरेटली नहीं मेजर कर पाएंगे, और मोमेंटम को एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली मेज़र किया पोजीशंस के तो पोजीशन में जो है एरर आएंगी एक्यूरेटली नहीं कर पाएंगे। तो दोनों को साइमल्टेनियसली हम एक्यूरेटली जो है मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ए प्रोटोन इज़ कन्फाइंड विद इन ए न्यूक्लियस ऑफ साइज 10^-13 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो है क्या गिवन है, न्यूक्लियस का जो है साइज़ गिवन है हमारे पास, और वो क्या वैल्यू गिवन है, 10^-13 सेंटीमीटर। तो डेल्टा एक्स की क्या है मैक्सिमम, इतनी अनसर्टेनिटी आ सकती है जितना साइज़ है, 10^-13 सेंटीमीटर विच इज़ फर्दर इक्वल टू 10^-15 मीटर। क्यों मीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि आंसर जो अनसर्टेनिटी वेलोसिटी पूछा है वो मीटर में पूछा है। इसके बाद डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच क्रॉस एच बाई 2π। एच की वैल्यू होती 6.62 इंटू 10^-34 2 इंटू 3.14। निकालना हमारे पास डेल्टा वी है, और किस स्केल में निकालना है, 10^8 मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इंटू एम, 6.62 इंटू 10^-34 होल डिवाइडेड बाय 6.28 इंटू मास क्या हमारे पास, प्रोटोन गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो मास ऑफ प्रोटोन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू 1.627 इंटू 10^-27 केजी। तो 1.627 इंटू 10^-27 केजी। इसके बाद क्या होता है, ये हमारे पास क्या हो गया, मास हो गया इनटू में जो है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, 10^-15। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन कैसे दिख रहा है, माइनस 15 तो ये है, माइनस 27 ये कितना बन गया, 10^ डिनोमिनेटर में -42, न्यूमरेटर में क्या है, 10^-34। तो क्या आ जाएगा, 10^ जो है 42-34 इंटू 6.62 होल डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो रहा है, 6.28 इंटू 1.627। और ये हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.64 इंटू 10^ यहाँ से क्या आ रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास किस ऑर्डर में निकालना था, 10^8 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या आ गया, 0.64। ये क्या आ गई, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मीन फ्री पाथ्स पे है ये, 2021 में भी आया हुआ है, आप देखेंगे मीन फ्री पाथ्स पे
गेट में भी आता है यहाँ से क्वेश्चन, और इनफैक्ट नेट में भी ये जो है कंसेप्ट मीन फ्री फाथ में आया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, जैसा कि हमने 21 वाले सॉल्यूशन में भी देखा था, मीन फ्री पाथ जो है लैम्डा की क्या डेफिनेशन होती है, 1/√2π, वहाँ हमने डायमीटर को सिग्मा डिनोट किया था, यहाँ इन्होंने पर्टिकुलर दिया हुआ है डायमीटर के लिए डी वर्ड यूज़ किया हुआ है, डी स्केयर इंटू एन क्या है, नंबर ऑफ जो है मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारे पास जो है लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 की दो गैसेज हैं जिसके लिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 जो है मीन फ्री पाथ्स हैं, उनके कोरस्पोंडिंग डायमीटर्स क्या हैं D1 एंड D2। तो लैम्डा 1 की वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास, यहाँ पे पाई भी कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है दोनों गैसेज के लिए, वो भी कांस्टेंट है। तो हमारे पास 1 बाई दैट इज़ कांस्टेंट के बोल दो इसको, इंटू D1 स्केयर, लैम्डा 2 क्या है 1/k D2 होल स्केयर। तो लैम्डा 1/λ2 की हमें रेशियो बतानी है, क्या आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन 1/(2), व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर D2 होल स्केयर बाय D1 होल स्केयर। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, D2 इज इक्वल टू 2 × D1, दैट इम्प्लाइज D2 / D1 इज इक्वल टू 2। थर्ड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कीजिए ये रेशियो, क्या आ गया D2 / D1 होल स्केयर इज इक्वल टू 4, λ1/λ2 इज इक्वल टू 4 होल स्केयर हो जाएगा, तो 4 इज आवर आंसर। तो इस तरह से वेरी सिंपल कंसेप्ट है, फिर भी इसमें जो है एक फॉर्मूला और एड ऑन करना चाहूँगी मैं, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। लैम्डा जो है एक फॉर्मूला और होता है मीन फ्री पाथ का, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंडेंट, कोई भी प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस क्या, इस क्वेश्चन में तो यहीं तक पूछा हुआ था, लेकिन प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 m × n, जिसको रो भी सिंबल हम डिनोट कर देते हैं, इंटू सी स्केयर मीन्स जो है वेलोसिटी बोल देते हैं आप इसको। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/3 m × n इंटू सी स्केयर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 3 kT/m जो है रूट मीन स्केयर वेलोसिटी बोलते हो, RMS वैल्यू जो है मॉलिक्यूल्स की, 3 से 3 कैंसिल तो क्या हो गया m से m कैंसिल हो रहा है, तो n × kT इक्वल टू प्रेशर। तो n की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से P/kT। तो यहाँ से जो है हम अपने फॉर्मूले को रिवाइज कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 1/√2π D² × n, n की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिए प्रेशर और टेम्परेचर की रेशियो में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास KT/P, n की वैल्यू रख दी 1/√2π D² लैम्डा इज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास क्या इसमें क्वेश्चन में आ सकती है स्टेटमेंट फॉर्मेशन, टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाए तो मीन फ्री पाथ पे क्या इफेक्ट हो रहा है, या टेम्परेचर कांस्टेंट है प्रेशर को चेंज कर दिया जाए तो मीन फ्री पाथ पे क्या इफेक्ट हो रहा है, या डायमीटर को चेंज कर दिया जाए तो मीन फ्री पाथ पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो हमारे पास लैम्डा जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायमीटर के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में जो है स्केयर की फॉर्म में डिपेंडेंट। तो ये तीनों ही फैक्टर्स हमें जो हैं याद रखने हैं मीन फ्री पाथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जो है, ये भी सेंट्रल पोटेंशियल वगैरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन है। कंसीडर ए क्लासिकल पार्टिकल सब्जेक्टेड टू एन इनवर्स स्केयर फोर्स फील्ड, इनवर्स फॉर्म में काम करिए सेंट्रल फोर्स, द टोटल एनर्जी पार्टिकल की क्या गिवन है, टोटल एनर्जी गिवन है हमारे पास कैपिटल ई, एंड असेंट्रिसिटी गिवन है इसेंट्रिसिटी एब्सन। तो पार्टिकल का जो है इन जनरल हमारे पास एसेंट्रिसिटी क्या गिवन होती है 1/2E L² / m²² एल बी स्मॉल एल स्मॉल एम स्मॉल के क्या होते हैं कॉन्स्टेंट होते हैं। तो हमारे पास कंडीशंस होती हैं, पैराबोलिक पाथ कब हमारे पास फॉलो होता है,
पैराबोलिक के लिए क्या होता है हमारे पास, एनर्जी भी क्या होती है जीरो, एंड असेंट्रिसिटी क्या होती है वन। तो हमारे पास किस ऑप्शन में गिवन है, सी ऑप्शन में। इन एडिशन हाइपरबोलिक और इलिप्स की पूछ ली जाए तो क्या कंडीशन होती है, हाइपरबोलिक के लिए क्या हो सकता है, एनर्जी ग्रेटर देन जीरो एंड असेंट्रिसिटी ग्रेटर देन वन। इलिप्स का भी होता है हमारे पास, इलिप्स पाथ के लिए क्या होता है, एनर्जी लेस देन जीरो एंड एसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज लेस देन। तो इक्वल है, एनर्जी जीरो है, असेंट्रिसिटी वन है तो पैराबोलिक है, एनर्जी ग्रेटर देन जीरो है, असेंट्रिसिटी ग्रेटर देन वन है तो हाइपरबोलिक है, एनर्जी लेस देन जीरो है, असेंट्रिसिटी लेस देन वन है तो इलिप्स है। तो इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो मैक्सिमम जो है 19, 20, 21, 18 ये चारों ईयर के मैं जो है IIT JEE के सॉल्यूशन डाल दूँगी। आप यहाँ से कनेक्टेड रहना।